अपने अपने कॉलेज के सभी बच्चों को भेज दीजिए, क्योंकि आज का ये ट्रायल क्लास है, मतलब आज एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर है जो कि डेमो भी है, तो जो एडमिशन नहीं लिए हैं वो भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और जो अगर अटेंड नहीं भी कर पाए तो इसका रिकॉर्डिंग बाद में ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर जो परचेस किया है उसके अंदर आ जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों का यही था कि सर हम लोग शायद नहीं बैठ पाए तो बाद में देख सकते हैं या नहीं देख सकते, तो कोई टेंशन नहीं है, आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। कैलकुलेटर हाथ में लीजिए बच्चों, कैलकुलेटर हाथ में लीजिए, कैलसी, चलिए सब लोग कैलसी हाथ में लीजिए। चलिए कैलकुलेटर हाथ में लीजिए, ओके। अच्छा प्लीज आपका हैंड रेज मत कीजिए, मुझे पता चल रहा है, हैंड रेज मत कीजिए कोई भी प्लीज। कैलकुलेटर साथ में रखिए सब लोग, यस वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस नाइस नाइस। प्लीज हैंड रेज मत कीजिए बच्चों, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक दो मिनट और वेट करते हैं आपको। यस वेदांत, ओके। अपना अपना नेट अच्छे से होगा ही, तो टेंशन की कोई बात नहीं है बच्चों, चलो। मचेगा मचेगा शोर मचेगा। अच्छा चलो चैट करके लिखो इसके अंदर कितने लोग गोल्डन में है, कितने लोगों का गोल्डन में सब्जेक्ट है, चैट करके लिखिए सर मेरा गोल्डन है, चलो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पोल रखता हूं, पोल में बता देना गोल्डन, गोल्डन का मतलब समझते हो ना, मतलब अगर अभी नहीं निकला तो ईयर ड्रॉप, कोई बात नहीं, मैंने चैट रखा है, चैट पोल रखा है, पोल पे आंसर कीजिए गोल्डन सब्जेक्ट है या नहीं है। ओएमजी ओएमजी, कितने लोगों का गोल्डन सब्जेक्ट है, अपने अपने सभी कॉलेज के में डाल दीजिए कि क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है, यस। और डाउनलोड कीजिए ऐप, आप आ सकते हैं। ओ भाई साहब, अरे बस बस आदित्य, अभी तो पढ़ाया भी नहीं मैंने आपके चैट मुझे दिख रहे हैं, टेंशन मत लो। कार्तिक चौहान, यस ओके गुड गुड। तो कितने लोगों का गोल्डन है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे फिलहाल तो 20 लोगों ने वोट किया है गोल्डन के लिए, 8 लोगों ने नहीं किया है, बचे हुए 12 लोगों ने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है, यस गुड गुड गुड। टोटल 125 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है अभी फिलहाल M2 के लिए, 125 स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे अभी देखेंगे कुछ बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, सब अपने अपने ऊपर है। अर्जुन, फर्स्ट सर इज देयर एनी वे टू कनेक्ट लाइव क्लास ऑन PC? हमजा, नो बेटा, फॉर कंटेंट प्राइवेसी ये हम लोगों ने अलाउ नहीं किया है, तो वो डिसेबल है। आयान, हेलो 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 आयान। ऋषिकेश सर तुम्ही खूप शिकवत, अरे मी अजून शिकवलं, अच्छा तुम्ही डेमो बघून आलाय वाटतं, ओके ओके, बताओ ये काय का आवाज था, ड्रीम इलेवन सर नो नेम स्क्रीन पे क्यों दिख रहा है, पता नहीं बेटा, आपको मैं दिख रहा हूं, आपको बोर्ड दिख रहा है, काफी है, बाकी कुछ दिखे ना दिखे टेंशन मत लो,
ओके 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 यस दोस्तों, कैलकुलेटर हाथ में लीजिए प्लीज, सब लोग प्लीज, सब लोग कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए। ओके तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एमएसबीटी क्रैश कोर्स। दोस्तों डिप्लोमा के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है और मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक बार और एक बार पोल करके बता दीजिए, बेग योर टीचिंग इज एक्सीलेंट, आई हैव वॉच्ड यू, थैंक यू बेटा। मोहम्मद अशरफ ने लिखा है, नो सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। भाई साहब आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि शायद आपका नेटवर्क इश्यू होगा, बाकी सबको बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है ना रे बच्चों? अच्छा एक और पोल मुझे चाहिए था आपका ब्रांच के बारे में, प्लीज मुझे आपका ब्रांच का, मैंने पोल डाला है मुझे बता देना कौन सा ब्रांच है। हाँ मैंने यहाँ पे लिखा है पोल में, रुको कुछ कमेंट मत कीजिए, मैं लिख रहा हूं, मतलब मुझे आइडिया आ जाएगा। सिविल मेक कॉम्प आई एफ ई एक्स सी, वेट यस आ रहा हूं। चलो पोल करके बताओ बच्चों कौन सा ब्रांच है आपका, इसके अंदर से बताइए मुझे पोल करके। निकल ओके चलो अभी हम लोग पोल देखते हैं बच्चों। चलिए पोल देखते हैं। ओके कंप्यूटर आईटी के 13 बच्चे हैं दिखाई फिलहाल, तो यहाँ पे वोट किया है। मैकेनिकल के भी अच्छे खासे हैं, सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छे खासे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओके 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 अरे ऑटोमोबाइल मतलब मैकेनिकल ग्रुप, टेंशन मत लो। ओके 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 आदित्य आपका M3 को टाइम है, ये डिप्लोमा का M2 चालू है। ठीक है चलिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। ओके तो आप भी ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाँ आराम से बाद में। ठीक है चलो, तो दोस्तों फिलहाल के लिए याद रखिए, क्रैश कोर्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को सबसे पहली बात, आप लोगों ने जैसे ही वो चीज आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 ये परचेस किया है, तो आपको उसके अंदर क्लासरूम के रिकॉर्डिंग्स भी मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा इसका भी रिकॉर्डिंग उसके अंदर आ जाएगा, बराबर है? तो अब जो डेमो देख रहे हैं ये आज के दिन है, उनको ये नहीं दिखाई देगा बाद में। ठीक है तो दोस्तों सबसे जरूरी बात ये है कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको उतना ही प्रैक्टिस करना है, समझ में आ गया? और दोस्तों मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस कीजिए। मैंने ये जो पोल लिया है, ये पोल लेने के पीछे का मकसद ही ये है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपका लास्ट वाला चैप्टर, समझ में आ गया? क्योंकि ब्रांच वाइज सभी का लास्ट चैप्टर अलग अलग है। तो दोस्तों अब हम लोग 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का जो टाइम टेबल है, तो उसके अंदर अब आज के दिन तो जैसे कि हमारा एक लेक्चर हो गया, तो दोस्तों कल से हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर जो अलग चैप्टर है उसका होगा और एक लेक्चर सबका कॉमन होगा। मतलब मैं आपको टाइम टेबल में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। जैसे अभी आपको नोटिफिकेशन आया कि तोसिफ सर इज लाइव, आया रहेगा ना नोटिफिकेशन, हाँ तो सब आएगा, टेंशन लेने का नहीं, मैसेज करने का नहीं, सर आज लाइव कसे नहीं आला, सगळे टाइम टू टाइम होणार, एकदम म्हणजे बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एमएसबीटी क्रैश कोर्स डिप्लोमा M2 के बारे में।
तो दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का गोल्डन में ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब उनका बेसिक क्राइटेरिया है कि सर हमें कैसे भी करके 20 मार्क्स तक लाना है, क्योंकि हमारा एक ही सब्जेक्ट बचा है, हमें उसके बाद कंडोलेंस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब प्लीज कोई भी बंदा हैंड रेज मत करना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। देखो ऐसा बोला कि तुरंत हैंड रेज करते तुम लोग। ठीक है, यस दिव्यांग, मुझे पता चला आप आए हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब दोस्तों मेरी बात को गौर से सुनना। जो गोल्डन में स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए ये बेसिक क्राइटेरिया है कि यार सर कैसे भी करके हमारा एक ही सब्जेक्ट बचा है, हमें पास करा दो। तो दोस्तों टेंशन मत लो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन ये चैप्टर को देखेंगे, और दोस्तों फंक्शन इस चैप्टर के हम लोग 4 मार्क्स ये कंफर्म्ड करने वाले हैं। समझ में आ गया, 4 मार्क्स फॉर फंक्शन। तो दोस्तों कैसे भी करके, मतलब अगर मान के चलो कि हम लोगों को सबको अगर 28 मार्क्स भी लाना है, तो दोस्तों 28 में से अगर हमारा 4 चला गया तो दोस्तों 24 मार्क्स हमारा बचता है। समझ में आ गया, तो दोस्तों ये सबसे जरूरी बात है कि आज के लेक्चर में हम लोग किसी भी हालत में 4 मार्क्स को गवा नहीं सकते। दोस्तों फंक्शन के अंदर कितने वैरायटी के सम्स आ सकते हैं, तो दोस्तों मैंने मैक्सिमम सम्स निकाले हैं, दैट इज 8 और 9 सम्स। तो दोस्तों बहुत ही इजी सम्स है, टेंशन मत लेना। आपको ऑटोमेटिकली जो अभी जिन्होंने परचेस किया है उनको लेक्चर के बाद तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है। समझ में आ गया, तो दोस्तों चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। तो दोस्तों कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम लोग फिर कल का जो हमारा लेक्चर होगा भाई साहब, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो है डेरिवेटिव। तो दोस्तों डेरिवेटिव के साथ किसी एक ब्रांच का लेक्चर होगा, अलग सब्जेक्ट का, वो बताऊंगा आपको, सब टाइम टेबल आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपको आप ऑटोमेटिकली एक ग्रुप के अंदर भी ऐड हो चुके हो, तो उस ग्रुप के अंदर भी आपको मैसेज आ जाएगा कि कल कौन से ब्रांच का लेक्चर है, कितने बजे है, सब आएगा। ऑल ब्रांचेस का लेक्चर कितने बजे है, सब आएगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। तो दोस्तों फंक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों मेरी बात है ना, मगज में फिक्स करो। एमएसबीटी आपको पता है, आपका ये सर एमएसबीटी को बहुत अच्छे से जानता है, अब इसके बारे में कोई वापस बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एमएसबीटी में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट अगर कभी ऐसा हो गया कि पेपर डिफिकल्ट गिर गया, तो डिफिकल्टी लेवल कितना जा सकता है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने 8 या 9 क्वेश्चंस बनाए हैं, बेसिकली 9 क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज अ फंक्शन। अब दोस्तों मेरे पहली बात ध्यान से सुनना सब लोग, कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्लीज सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, फंक्शन ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक इक्वेशन आपको दिया है, जैसे कि मान की चलिए ये इक्वेशन है x³ - 3x² + 4। अब भाई साहब इस इक्वेशन में आपको x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिंपली है कि इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल x है। अब दोस्तों मेरी बात को गौर से सुनना, अब मान के चलो कि पेपर में कोई आपको पूछेगा t² - 2t, तो इसके अंदर तो x नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये t का है, मतलब ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ t। क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ t। अब दोस्तों मान के चलना, अब आपको किसी ने पूछा, हाँ अब आपको किसी ने पूछा कि फाइंड f(2), इसका मतलब क्या रे? इसका मतलब सिंपल है कि तुझे क्या करना है, जो भी दिया है जैसे कि f(x) दिया है, तो तुझे सिंपली क्या करना है बेटा, तुझे सिंपली ये जो x है ना, x के जगह पे 2 रखना है। तो जिधर भी तुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे 2 रखना है, खत्म। अब मान के चल अगर तुझे कोई पूछ रहा है फाइंड f(विराट), अब अगर आपको कोई पूछ रहा है कि f(विराट) मतलब क्या, आपको x के जगह पे क्या रखना है, विराट रखना है। कोई आपको पूछेगा फाइंड f(सनी), अब आपका फेवरेट है ना सनी, सनी देओल आपका फेवरेट है, तो f(सनी), तो आपको x के जगह पे क्या रखना है, सनी रखना है। समझ में आ गया, एवढं सोप्पं आहे, अजिबात काळजी करण्याचं कारण नाही। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग
मैक्सिमम 9 क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड लेंगे। तो दोस्तों प्लीज ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखना। इफ देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन, ये आपको एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा, और उन्होंने बोला है फाइंड एफ ऑफ 0 + f(2)। सर ये मैं लिख के रखू क्या? अरे भाई साहब पिक्चर देखने आए हो, पिक्चर पॉपकॉर्न हाथ में लो, पॉपकॉर्न खाते खाते ऐसा पाया और पाय टाका टना टना मस्त बगत बसायचं, फक्त मध्येच कुठलं नोटिफिकेशन आलं तर बाहेर जाऊ नका। अरे हाँ भरपूर दिवसांनी मेसेज आला कोणाचा तरी, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज इधर ध्यान से सुनना। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स क्या है, x^4 - 2x + 7, फाइंड एफ ऑफ 0 + f(2), बराबर है। अच्छा तो देखो सबसे पहली बात इधर ध्यान से सुनना, गिवन देखो, गिवन आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया है बेटा, आपको फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया है बच्चों, x^4 - 2x + 7, राइट। अब देख, अब उसने तुझे क्या पूछा है, अब उसने तुझे पूछा है एफ ऑफ 0 + f(2), ये बाढ़ में गया। मैं क्या पूछता हूं, देख सर ने क्या बोला था कि एफ ऑफ एक्स को छोड़कर अगर कुछ दूसरा पूछा है, एफ में क्या पूछा है, एफ ऑफ 0 पूछा है और एफ ऑफ 2 पूछा है, तो हम लोग है ना सबसे पहले एफ ऑफ 0 को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, एफ ऑफ 0 को, बराबर। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ था तो मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे सिंपली क्या करना है, देख मैंने क्या बोला था कि मैं एक्स के जगह पर 0 डालूंगा, बराबर है। तो इधर देख, अगर आपको एफ ऑफ एक्स दिया है और अगर आपको किसी ने पूछा है एफ ऑफ 0, मतलब आप एक्स के जगह पे क्या डालोगे, 0। अब आपको और क्या पूछा है, एफ ऑफ 2, फिर आप एक्स के जगह पे क्या डालोगे, 2। फिर आपको इसका एक आंसर मिलेगा, फिर आपको इसका एक आंसर मिलेगा, या दोन आंसर च काय लावणार तुम्ही, लग्न, म्हणजे दोघांचे एडिशन, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है, समझ में आ गया। तो दोनों के बीच में प्लस साइन है, खत्म। तो देख अभी इधर ध्यान से सुन, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें सिंपली यहां पर लिखना है, इधर देख हमें क्या लिखना है, टू फाइंड एफ ऑफ 0। आपको एफ ऑफ 0 निकालना है, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन में जिधर भी एक्स है वहां पे 0 डाल। मी काय सांगतो ये व्यवस्थित ऐक, करते का, जिथे कुठे एक्स आहे तिकडे 0 टाकायचं। तो देख अभी यहां पे, यहां इधर एक्स है, इधर एक्स है, इधर एक्स है, तो देख बेटा देयरफोर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहां पे लिखने का 0^4 - 2×0+7 लिखा, राइट। अब इसके बाद अब मैं बताता हूं बच्चे फेल क्यों होते हैं। बच्चे फेल इसलिए होते हैं कि बच्चे खुद को आइंस्टाइन समझते। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भाई तेरा पेपर गोल्डन में गया है फिर भी तेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है, तू ओवर कॉन्फिडेंट ही है। तू क्या करता है, तू ऐसे करता है, हाँ 0^4 = 0 - 2×0 = 0+7। भाई माना मुझे ये इजी है बट अभी तो पेपर नहीं दे रहा है, तभी तू पेपर देता है तभी तू क्या करता है, तू तो ऐसे लिखता है। इधर देख तू क्या करता है, 0^4 = 0 - 2×0 = 2+7, सिली मिस्टेक। तो अभी एक चीज है ना, सब लोग कसम खाओ कि भाई अगर मुझे कोई पूछेगा ना कि 2 + 2 कितना, तो बोलेगा रुक मेरे असिस्टेंट को बुलाता हूं। मेरा असिस्टेंट कौन है, मेरा कैलकुलेटर। अगर किसी बच्चे ने 2 + 2 कैलकुलेटर पे नहीं किया, भाई साहब लिख के रख लो, आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। मैं आपको कोई शाप नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डरा रहा हूं। क्यों डरा रहा हूं, क्योंकि गोल्डन हो या कोई भी रेगुलर पेपर भी हो, हम लोग ये सिली मिस्टेक्स पेपर में करते हैं। मैंने खुद मेरे बीई में, मेरे मास्टर्स में, मैंने कभी भी 2 - 2 = 0 मुझे पता है, बट भाई मैं कैसी पे डालता था, समझा। तो दोस्तों विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व मत करना, चाहे कितना भी इजी लगे तो भी मत करना प्लीज, ठीक है। तो दोस्तों तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। अब यहां पे अब मुझे बताओ सर, तो अभी मैं इसको कैसे करूं सर, मैंने क्या बोला कैलसी पे करना है। अरे बाबा, तो कैलसी पे तुझे इसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा 7। कितना मिला, 7। तो एफ ऑफ 0 का आंसर आपको मिला बेटा 7। अब तुझे क्या फाइंड करना है,
अब तुझे एफ ऑफ टू फाइंड करना है, बराबर है। तो अभी तू क्या लिखेगा देख इधर, तो तू अभी लिखेगा टू फाइंड, इधर देखो टू फाइंड, हैंड रेज मत करो बेटा, टू फाइंड एफ ऑफ टू, टू फाइंड एफ ऑफ टू, ओके टू फाइंड एफ ऑफ टू, इधर देखो प्लीज, टू फाइंड एफ ऑफ टू, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, कहां पे रे, इन इक्वेशन नंबर वन, तेरा इक्वेशन नंबर वन जहां पर भी है वहां पे एक्स के जगह पे टू लिख, तो मैंने एफ ऑफ टू लिखा, इधर एक्स है वहां पे टू लिखा, इधर एक्स है यहां पे मैं लिखूंगा टू रेस टू फोर माइनस टू इंटू टू प्लस सेवन, कैलकुलेटर दो, चलो सब लोग कैलसी हाथ में लो, अरे मुझे खुद को भी पता नहीं है, मुझे कोई पूछेगा ना टू क्यूब कितना, मैं बोलता चल मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम लोगों को अब येड़ा बनाया था इंजीनियरिंग ने, ऐसा कैलसी हाथ में दिया था, समझा। तो जो भी आपके कॉलेज में देखो, वैसे तो एमएसबीटी में 82 FX अलाउड है, बट कुछ कॉलेज वालों को ये सब पता नहीं होता है, वो 991 भी देते हैं, अब आपके कॉलेज में अलाउड है तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब सिंपली कैलसी पे सॉल्व करना है, वो हमारा कैलसी सो गया है तो ये 2 raised to 4 माइनस 2 into 2 प्लस 7, तो बेटा इसका आंसर आया 19, कितना आया 19, शाबाश साक्षी, देखो साक्षी ने आंसर लिख के भेजा है, दैट इज 19, तो एफ ऑफ टू इज 19, तो बेटा ये आंसर मुझे मिला। अब देख, अब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है या तोड़ना है, वो यहां पे लिखा है बीच में प्लस साइन है ना, तो बेटा सिंपली मैं क्या करूंगा, देयरफोर एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ टू, क्या करेंगे बेटा, तो एफ ऑफ जीरो का आंसर है 7 प्लस एफ ऑफ टू का आंसर है 19। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला था, अरे सर 19 प्लस 7 ना कितने झाले सर 26, अभी याद है पेपर में 25 लिख के आएगा, होता है मजा अपनी, बाद में बाहर आके ऐसा गाली डालेंगे खुद को, ओ शिट, आप ओ शिट नहीं बोलोगे, आप अलग दो वर्ड बोलते हो वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, और बोलेंगे ओ शिट 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 शिट, यार कैलसी पे करना चाहिए था। तो प्लीज इसको कैलसी पे ही कीजिए दोस्तों, कैलसी पे ही कीजिए, अभी आपको, अभी आप होशो हवास में है तभी टेंशन में होते हो। तो दोस्तों 19 प्लस 7, देखो मैं खुद कैलसी पे कर रहा हूं, मैं टेंशन लेता ही नहीं, ओके तो 19 प्लस 7 दैट इज 26। तो दोस्तों अब एक चीज है ना, हमेशा याद रखो, अगर आपको पास होना है, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुझे पास होना है, अगर तुझे पता है कि तू ऐसा इज्जत से नहीं लिख सकता, मैंने कैसा एकदम ताम झाम करके लिखा है, ऐसा तू नहीं लिख सकता, तो एक चीज याद रख, लास्ट में इज्जत से लिखा, ऐसा एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 26, और ऐसा इसको हाईलाइट कर, एग्जामिनर की आंख है ना, आंख डायरेक्ट इधर आके रुकनी चाहिए, अगर ऐसा हाईलाइट नहीं हो रहा थोड़ा बड़ा हाईलाइट कर, ऐसा मतलब तुझे अगर ऐसा अच्छे से लिखने नहीं आता, देख एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, समझ में आ गया, तो तू ऐसा लिख, ओके। तो दोस्तों ऐसे टाइप के सम्स भी पेपर में आते हैं, तो दोस्तों इसका और एक सम लेंगे, जैसे कि अगर बीच में प्लस टू नहीं है, अगर माइनस टू है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर टू, देखो कितना डिजिटल, मतलब माशाल्लाह कितना डिजिटल पैनल है, एकदम एक्यूरेट, समझ में आ गया। तो दोस्तों देखो यहां पर एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, और दोस्तों आपको क्या पूछा है, फाइंड एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस टू, राइट। अब देख मेरी बात को ध्यान से सुन, तुझे क्या दिया है बेटा, तुझे पूछा है, तुझे क्या दिया है, गिवन गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ये तुझे दिया है इक्वेशन नंबर वन। अब तुझे क्या पूछा है, फाइंड एफ ऑफ टू, बराबर है। तो इधर देख, तो मैं कैसे लिखेगा, टू फाइंड एफ ऑफ टू, बराबर, पुट x इज इक्वल टू क्या करेगा, टू, पुट x इज इक्वल टू टू कहां पे, इन इक्वेशन नंबर वन। तो बेटा इक्वेशन वन में x के जगह पे क्या लिखेगा, टू लिखेगा, तो जिधर भी x है उधर टू लिख, तो f ऑफ टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर प्लस 6 into 2 प्लस 10, राइट। तो देख इधर, तो f ऑफ टू इज इक्वल टू, अब इधर देख, अगर तूने वापस लिखा 2 square 4 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, खत्म, भाई साहब मत करो, मैंने खुद, आपको पता है मैं 7-8 साल से पेपर चेक करते आ रहा हूं,
तो दोस्तों ये सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं, तो एज ए टीचर जब हम लोग पेपर चेक करते ना तो हमें बहुत बुरा लगता है, यार बच्चे ने इतना अच्छा लिखा था, सिली मिस्टेक में मार्क्स चला गया। ठीक है, तो दोस्तों कैलसी पे ही करो, समझा? मैं भी देखो आपके सामने ही कर रहा हूं कि नहीं, कैलसी पे 2² + 6 × 2 + 10, तो बेटा आपका आंसर आया 26, तो इसका आंसर मिला 26। अब बेटा आपको क्या पूछा है, एफ ऑफ माइनस टू पूछा है, क्या पूछा है, एफ ऑफ माइनस टू, तो मैं क्या लिखूंगा देख बेटा इधर, तो मैं यहां पर लिखूंगा टू फाइंड एफ ऑफ माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू क्या करूंगा बेटा, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, बराबर है? तो मैं एक्स के जगह पे क्या लिखेगा, माइनस टू, तो इधर देख तो कैसे दिखाई देगा, इसी में देखने का सब कुछ। हाँ, तो एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स ब्रैकेट में माइनस टू प्लस टेन, राइट? अब देखो, अब इसको हम लोग कैलसी पे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माइनस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स ब्रैकेट में माइनस टू प्लस टेन, तो बेटा इसका आंसर आया टू, मिला क्या रे टू, बराबर है ना? माइनस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस टू, एक बार मैं वापस करता हूं, माइनस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस टू प्लस टेन, इसका आंसर आया टू, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, तो एफ ऑफ माइनस टू का आंसर मिला टू। अब मुझे एक बात बता, अब देखो किसी ने लिखा है, श्री ने क्या लिखा है, सर फाइनल आंसर इज 20, अब इसका फाइनल आंसर 20 आ रहा है क्या बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ रहा है 28, तो देखो यहां पर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस टू, तो दोस्तों एफ ऑफ टू का आंसर कितना है 26 और इसका आंसर कितना है बेटा 2, तो आंसर आया 28, समझा? बट अगर तुझे ये तामझाम लिखना नहीं आता है तो क्या लिखेगा तू, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 28, चेक कर लो बच्चों क्या आपको ये आंसर मिला, अगर आपको ये आंसर मिला मतलब आप लोग सही जा रहे हो, समझ में आ गया? अब प्लीज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये तो थे इजी वाले, पेपर में इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा ऐसे टाइप का, कुछ भी लिखा रहेगा, एफ ऑफ टू एफ ऑफ थ्री कुछ भी, समझ में आ गया? अब दोस्तों उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज ध्यान से देखना सब लोग। दोस्तों ये एक एमएसबीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, कभी अगर ऐसा हुआ कि एमएसबीटी ने सोचा कि नहीं इस बार तो एकदम डिफिकल्ट पेपर सेट करना है, तो ऐसे टाइमिंग में वो ये वाला क्वेश्चन डालेंगे। क्वेश्चन क्या है? देख, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 raised to x प्लस log x टू द बेस 4, फाइंड एफ ऑफ 1/2, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, अब उन्होंने क्या पूछा है, देख यहां पर ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता है, कॉलेज वाले अलग ही लेवल में सिखाते, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, तो दोस्तों इधर ध्यान से सुनो, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज 16 raised to x प्लस log x टू द बेस 4, मैंने ये लिखा, राइट? अब मेरी बात को गौर से सुन, मेरा सिखाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, ओके? मेरा सिखाने का स्टाइल थोड़ा अलग है, तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं, इधर देखो, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, इधर देखो मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ 1/2, मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ 1/2, तो एफ ऑफ 1/2 में कैसे फाइंड करूंगा, तो मैं लिखूंगा टू फाइंड, इधर देखो टू फाइंड एफ ऑफ 1/2 पुट एक्स इज इक्वल टू 1/2, कहां पर, इन इक्वेशन नंबर वन, ये मेरा इक्वेशन नंबर वन है बेटा, ओके? चलो, हर्षवर्धन ने लिखा है आंसर इज 7/2 ना, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आंसर क्या है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, जिधर भी एक्स लिखा है वहां पे 1/2 लिखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो, जिधर भी एक्स लिखा है वहां पर 1/2 लिखना है, तो एक्स के जगह पे मैंने 1/2 लिखा, 16 च्या डोक्यावर मी लिहिलं 1/2 प्लस लॉग एक्स के जगह पे मैंने लिखा 1/2 और इसका जो बेस है 4 वो एज इट इज। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली जिधर x है वहां पर 1/2 लिखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो बच्चों,
अगर आपको पेपर में सही से सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करो, ये जो 16:1/2 दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना 16:1/2, तो भाई कैलसी पे जा, कैलसी पे ऐसा लिख 16:2, मतलब ये साइन समझ देना, और 1/2 ब्रैकेट में लिख, ब्रैकेट में 1/2, ऐसा कैलसी पर अस टाइप करा, मी सांगतोय तस टाइप करा। अगर आपने कैलसी पे ऐसा टाइप किया 16:1/2, तो भाई साहब तेरा गोल्डन में वापस ड्रॉप है फिर, समझा, 1/2 को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो तू ये कैलसी पे टाइप करेगा 16:1/2 एज इट इज, ये ऐसा नहीं लिखने का, ऐसा लिखने का। तो देख कैलसी पे जब तू लिखेगा 16:2 ब्रैकेट में 1/2, तो तुझे आंसर मिलेगा 4, क्या मिलेगा, शाबाश ऋषिकेश, तो आपको आंसर मिलेगा 4 प्लस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो प्लीज, सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान के चल अगर तेरे पास यहां पर ऐसा लिखा है log 1/2 और उसका बेस है, कुछ भी बेस रहने दे, ए बी सी डी कुछ भी रहने दे, तो मैं क्या बोलता हूं, ये जो log 1/2 है ना, इसको तू लिखेगा log 2, क्या लिखेगा, log 2, और बेस जो भी है वो एज इट इज। अब तू बोलेगा यार सर डॉक्टर भी क्या पढ़ला है कि क्या है, log 1/2 ला मैं log 2 कैसे का लिख सकते, उसके बदले में तुझे कुछ पेनाल्टी देना पड़ेगा। अब वो पेनाल्टी क्या है, अगर मान के चल इस log के पीछे यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे होगा माइनस साइन, अब मान के चल कि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पे होगा प्लस साइन, नहीं समझा, इधर देख, हिते बगा, हिते हिते बगा, ये दिख रहा है साइन, ये साइन कौन सा है बेटा, प्लस है, तो अब ये प्लस का होगा माइनस, क्या होगा माइनस, और लॉग 1/2 को मैं लिखेगा लॉग 2, क्या लिखेगा लॉग 2, और नीचे का बेस जो था ए है तो ए, 4 है तो 4, एज इट इज। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाया, मैं क्या सिखा रहा हूं ध्यान से सुन, इधर देख मैं क्या सिखा रहा हूं ध्यान से सुन, इधर देखो, तो यहां पर इधर देख 16:1/2 का आंसर 4 मिला, ये प्लस है, ये प्लस का तू अपोजिट साइन करेगा माइनस, लॉग 1/2 को तू लिखेगा लॉग 2, और नीचे का बेस एज इट इज 4 का 4, समझ में आ गया, अभी डाउट क्लियर है बच्चों। अब आगे देखो, अब इसके बाद इसको लिखने का कैसा, 4 माइनस, अब ये जो है ना लॉग 2/4, इसको ऐसा लिखने का लॉग 2/log 4, ऐसा लिखने का। मान के चल अगर तुझे पेपर में कुछ ऐसा आता, पेपर में ऐसा आता log 7/3, यहाँ पे आता बेस 3, तो तू कैसे लिखता, तो तू लिखता log 7/log 3, ऐसा लिखता, समझ में आ गया, डाउट क्लियर है, वेरी गुड। अब दोस्तों अब इसको ना हम लोग कैलसी पे सॉल्व करेंगे, इधर देख, ये जो है ना ये मैं रफ वर्क है मेरा आपको सिखाने के लिए। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, 4 माइनस को एज इट इज रखूंगा, अब मैं कैलसी हाथ में लूंगा, मैं कैलकुलेटर हाथ में लूंगा और कैलसी पे टाइप करूंगा log 2/log 4, सर ब्रैकेट टाकू का, जेवढा वेळा ब्रैकेट टाकल तेवढं चांगलं आहे, समझा, log 2/log 4, तो बेटा इसका आंसर आया 0.5, क्या आंसर मिला 0.5, तो आपका आंसर कितना हो गया 4 - 0.5, दैट इज 3.5, तो आपका आंसर हुआ 3.5, बराबर है। हो सकता है किसी को कैलकुलेटर पे आंसर मिला रहेगा 7/2, ओके, तो दोस्तों ये भी आंसर सही है क्योंकि 7/2 इज नथिंग बट 3.5, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। बट हमें कॉलेज वाले बोलते हैं कि फ्रैक्शन में आंसर लाना चाहिए, हमें तो 3.5 मिला। तो दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा है ये थर्ड बटन AB/C, ये ऐसा एक बटन है आपके पास, ऐसा एक बटन है, तो आप अगर इसको प्रेस करोगे ना तो आपको देखो अभी कभी कभार 3/1/2 ऐसे आता है, बट अगर आपके पास अच्छा वाला कैलसी रहेगा ना तो आपको SB प्रेस करके 7/2 आएगा, समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया 3.5 और 7/2। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने अभी देखा। अब दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अच्छा चलो एक बार मुझे मैसेज करके बताओ बच्चों, आपको समझा कि नहीं समझा रे, प्लीज थोड़ा मैसेज करो, समझा या नहीं समझा, उसमें कर देना बटन।
आपको समझा या नहीं समझा प्लीज थोड़ा मैसेज करो। प्रसाद, यस सर, समझा। जैद, बहुत अच्छे से समझा। यस सर, एक्सीलेंट टीचिंग। यस सर, समझा। कार्तिक, कार्तिक चौहान, नहीं अर्जुन, जिसको अभी भी लिख रहा है ना, नहीं अर्जुन भाई साहब, डेंजर है तेरा भवितव्य। क्लियर बोलता हूं, क्योंकि इससे बेसिक इस दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, ये गारंटी है। मैं तेरे को ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार अभी नहीं समझा तो कभी समझेगा, इसका मतलब तू एक तो ध्यान नहीं दे रहा है, क्लियर बात है, इससे बेसिक नहीं सिखा सकता मैं, ठीक है? ओके श्री, एक्सीलेंट सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, देखो जिन्होंने भी नहीं लिखा रहेगा, एक या दो बच्चों ने लिखा है, भाई साहब मैं क्लियर कट बोलता हूं, अगर तूने अभी आगे ध्यान नहीं दिया और अगर तेरा सब्जेक्ट गोल्डन में है तो तू तैयारी कर, पैकिंग कर देगा, समझा? क्योंकि अगर तेरे को ये नहीं समझे तो तेरे को डेरिवेटिव क्या समझेगा? तो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान। ओके चलो, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। ओके हिमांशु, क्वेश्चन नंबर 3 एकदा रिपीट करा, काळजी करायची नाही, रेकॉर्डिंग पडणार आहे, ती रेकॉर्डिंग परत एकदा बघायची। ओके चलो अब दोस्तों आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये एक एमएसबीटी का स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन है जो पेपर में ये लोग बार बार पूछते हैं, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स दिया है, लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई, फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू, बराबर है? अब दोस्तों मेरी बात को ना गौर से सुनना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। देख इधर देख, ध्यान से देख, तुझे गिवन क्या है? गिवन हमारा गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द बेस ई, बराबर है? ये हमारा क्वेश्चन है और तुझे पूछा क्या है, फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू, बराबर है? तो इधर देख, फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू, तो इधर देख, तो मैं क्या लिखूंगा, टू फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू, मुझे एफ ऑफ पाई बाई टू निकालना है, तो मैं क्या लिखेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, किधर लिखेगा, इक्वेशन नंबर 1 में, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो देख सर ने क्या बोला था, जिधर किधर एक्स है उधर क्या लिखने का बेटा, पाई बाय टू लिखने का, बराबर है? तो देख ये कैसे दिखाई देगा, तो ये कैसे दिखाई देगा, एफ ऑफ पाई बाय टू, जिधर एक्स है उधर मैं लिखेगा पाई बाय टू, लॉग लिखा मैंने, साइन लिखा, एक्स के जगह पे लिखा पाई बाय टू, बेस कितना है, ई। ओके अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे पता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज 1, ओम, शाबाश बेटा, यस सर, यस, ओके। तो दोस्तों चलिए देखो यहां पर हर्षवर्धन, यस बेटा, आज आज के लेक्चर में फंक्शन से 4 मार्क्स अपन कंफर्म करना रहा है, ठीक है? तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, और एक चीज हमेशा याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, फंक्शन चैप्टर को इजी समझ के छोड़ देते हैं, उनको लगता है पहले 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, भाई क्वेश्चन घुमा के पूछा तो तू क्या करेगा, तो तेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि देख इसके 4 मार्क्स के साथ तू समझौता नहीं कर सकता, समझ में आ गया? क्योंकि तू इंटीग्रेशन नहीं पढ़ने वाला है, तू एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ने वाला है, तो तुझे पढ़ना क्या है, फंक्शन डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड तेरा लास्ट वाला चैप्टर, ये 4 चैप्टर तेरे को 46 मार्क्स दिलाएगा, तुझे तो 28 चाहिए, मैं 20 मार्क्स तेरे को ज्यादा देगा, तू एमएसबीटी को लेटर लिख, जो किसी गरीब को चाहिए तो उसको दे दो 20 मार्क्स, ठीक है? तो दोस्तों यहां पर देखो, तो लॉग ऑफ साइन पाई बाई टू, अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, अब कैलसी पे देख, बच्चों को ना यही समझ में नहीं आता है, साला ये साइन पाई बाई टू का मैं क्या करूं, तो एक चीज याद रख, कैलसी पे है ना, तू देख पाई का मतलब होता है 180, कितना होता है, देख अगर तुझे नहीं पता, अगर तुझे नहीं पता तो तेरे दिमाग में क्लियर रख, पाई का मतलब होता है 180, बराबर है? अब तेरे को पाई बाय टू पूछा है,
इसका मतलब क्या होगा, 180 बाई 2 कितना होगा, 180 बाई 2 मतलब कितना, 90 डिग्री। पेपर में अगर पूछा है पाई बाई 3 तो भाई तू क्या करेगा, 180 डिवाइड बाई 3 करेगा। डाउट क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि यही सम, कभी पेपर में डिफिकल्ट पूछा पाई बाई 4 तो तू क्या करेगा, 180 बाई 4 करेगा। ऐसा क्यों करेगा, ध्यान से सुन सर कशाला सांगते हे सगळं, हे सगळं कैल्सीवर होतं ना सर, भाई साहब तेरा कैल्सी है ना, तेरा कैल्सी डिग्री मोड में है। कौन से मोड में है, डिग्री मोड। सर तुम्हाला कसं कळालं कैल्सी डिग्री मोड मध्ये आहे, तेरा कैल्सी का ये जो डिस्प्ले है जिसपे तू नंबर डालता है ना, वहां पे तू चेक करेगा ना, तो यहाँ पे देख छोटे अक्षर में लिखा है डी, यहाँ पे डी लिखा होगा, देख कैल्सी पे डी लिखा हुआ होगा, डी इसका मतलब कैल्सी डिग्री मोड में है। और अगर तुझे पाई में कुछ दिखता है, पाई पाई बाई टू मतलब ते रेडियन मध्ये आहे, कशा मध्ये आहे, रेडियन मोड में आहे। समझ में आ गया, देख इधर ध्यान से सुन, पाई बाई टू और 90 दोनों एक ही है, बट इसको बोलते हैं डिग्री और इसको बोलते हैं रेडियन। तो कैल्सी में जब तू इनपुट डालता है तो तू कैल्सी में ऐसा नहीं लिख सकता साइन पाई बाई टू, क्यों, क्योंकि तेरा कैल्सी जो कमांड लेता है ना वो कमांड सिर्फ डिग्री में लेगा, क्योंकि तेरा कैल्सी डिग्री मोड पे सेट है। समझ में आ गया, रेडियन में तू कर सकता है वो अलग बात, बट कैल्सी डिग्री मोड में सेट है। तो ये सिली मिस्टेक्स होते हैं बच्चों से, तो क्या करने का, लिखते वक्त कैल्सी पे लिखने का साइन 90, क्या लिखेगा साइन 90। तो बच्चों कैल्सी पे जैसे ही आप टाइप करोगे साइन 90 यू विल गेट 1, क्या मिलेगा 1। तो बेटा आपको यहां पर देखो ध्यान से सुनना, आपको यहां पर लॉग लिखा, ई लिखा, और बेटा ये जो है साइन 90 इसका आंसर आया 1। अब आपका कैल्सी पे देखो, अब जैसे कि ओम ने आंसर लिखा था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1, भाई साहब आपके 0 मार्क्स, क्योंकि इसका आंसर है 0। समझ में आ गया, इसका आंसर कितना है 0। देखो वेरी गुड, हर्षवर्धन ने लिखा 0, मोहम्मद रफी ने लिखा 1, तो ये आंसर नहीं है बच्चों, इसका आंसर 0 है, सिर्फ एक का आंसर बराबर आया जिसका हर्षवर्धन का। तो बेटा आपका आंसर क्या आया, लॉग 1। अब तू कैल्सी पे सिंपली टाइप कर लॉग 1, क्या टाइप करेगा, लॉग 1। पण सर तुम्ही मगाशी तर सांगितलेलं तोंड वर करून असं लिहायचं लॉग 1 बाय लॉग ई, ऐसा कुछ नहीं है, अगर नीचे नंबर लिखा है तो लिख, वैसे भी उसका कंपलसरी बेस ई या तो 10 होता ही है। समझ में आ गया, तो सिंपली क्या करना है, कैल्सी पे टाइप करो लॉग 1, तो तू लॉग 1 टाइप करेगा तो तुझे आंसर मिलेगा 0, ये देख तुझे आंसर मिलेगा 0। समझ में आ गया, तो बेटा लॉग 1 का आंसर है 0। तो अगर आपने पेपर में 1 लिखा तो देख दो स्टेप में आंसर था, दो स्टेप तू 2 मार्क्स लेके जा सकता था, बट सिली मिस्टेक किया, फिर तू बोंबलत बसला, अरे माझा गोल्डन ला गेला सर, समझा। तो यहां पे तेरा आंसर कितना है बेटा, तेरा आंसर है 0, तो एफ ऑफ पाई बाय 2 का आंसर आ गया 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सिली मिस्टेक नहीं करने का, ये सब में तूने बेटा दो बातें सीखा, पहली बात कि पाई का मतलब होता है 180, देख इधर देख बाबा, पाई का मतलब कितना होता है 180, ये डाउट क्लियर है। फिर तुझे पाई बाय 2 बोला है मतलब कितना 180 डिवाइडेड बाय 2, डाउट क्लियर है। पाई बाय 3 बोला तो कैल्सी पे टाइप करने का 180 बाय 3 दैट इज 60, तो कैल्सी पे लिखने का साइन 60, समझा। देख अगर तुझे पेपर में ऐसा आया है साइन पाई बाय 3 तो तू कैल्सी पे साइन पाई बाय 3 टाइप नहीं कर सकता, तुझे कैल्सी पे टाइप करना पड़ेगा साइन 60, क्या टाइप करना पड़ेगा साइन 60, समझा, तब जाके तुझे आंसर मिलेगा। ओके चलो शाबाश। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो एमएसबीटी का स्वीट एंड सिंपल वाला क्वेश्चन है, बट उसको पता है कि इसके आंसर बच्चों को या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, तो जो 1 लिखेगा, ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चे 1 लिख के आते हैं, 50% से ज्यादा बच्चे तो 1 लिख के आते हैं, गए 2 मार्क्स बसा बोलन, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ये टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी आता है दोस्तों, VVIMP दोस्तों, पेपर में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही।
101% दिखेगा। समझ में आ गया? इवन ऑड फंक्शन, भले ही यहां पर कुछ अलग लिखा होगा बट इवन ऑड फंक्शन का क्वेश्चन पेपर में दिखता ही है। पांच ब्रांचेस के पेपर अलग होंगे तो मैक्सिमम चार ब्रांचेस में तो ये दिखाई देता ही है। समझ में आ गया? तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ओके? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है देखिए यहां पर, तो हमारा जो क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू, शो दैट फंक्शन इज इवन और ऑड। अब देख, अभी तक तूने जितने क्वेश्चन किया ना बेटा, तो तुझे क्या पूछा था, फाइंड एफ ऑफ टू, तो तू सिंपली क्या करता था, एक्स के जगह पे टू डालता था। तुझे पूछा फाइंड एफ ऑफ जॉनी, अपना जॉनी लीवर है ना, फाइंड एफ ऑफ जॉनी लीवर, या तुझे पूछा फाइंड एफ ऑफ आरसीबी, रॉयल चैलेंज बैंगलोर, किसकी फेवरेट है तो देखो, हमारी नहीं है। फाइंड एफ ऑफ एम आई, या आप लोग कारीज है या अपनी टीम है, एम आई कौन एम आई को सपोर्ट करता है, मैसेज करो मेरे जैसा, ठीक है? तो हम लोग सिंपली क्या करते, हम लोग सिंपली पुट हुआ आंसर करते है ना। कोई पूछा जॉनी लीवर तो जॉनी डालेंगे, कोई पूछा आरसीबी तो आरसीबी डालेंगे। भाई यहाँ पे तो कुछ पूछा ही नहीं है सर, यहाँ पे सिंपली लिखा है शो दैट फंक्शन इज इवन और ऑड। समझ में आ गया? तो दिमाग में क्लियर रख, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया शो दैट फंक्शन इज इवन और ऑड, या कोई ऐसा पूछा, शाबाश क्षितिज, शाबाश प्रसाद, यस ओके, तो अगर कोई ऐसा पूछा कि शो दैट फंक्शन इज इवन और ऑड, या शो दैट फंक्शन इज इवन, शो दैट फंक्शन इज ऑड, तो सिंपल याद रख सर ने क्या बोला था, सर ने बोला था कि x के जगह पे माइनस एक्स क्या लिखना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसका एक चीज याद रख कि देख गिवन क्या है बेटा, हमारा गिवन है, हमारा गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है बेटा। तो अभी इसका अगर इवन ऑड का सम पेपर में आया, और जो कि आएगा ही, तो भाई साहब आपका स्टेप फिक्स है। ये देख इधर देख, मैं इधर लिखता हूं, इधर देख, फिक्स्ड, फिक्स्ड स्टेप, ये याद रख, क्या है फिक्स्ड स्टेप, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तू एक्स के जगह पे क्या लिखेगा बेटा, माइनस एक्स लिखेगा, ज्यादा सोचने का नहीं, जास्ता विचार कराएगा नहीं, तो मैं एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा, माइनस एक्स, तो ये कैसे दिखाई देगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ई, एक्स के जगह पे क्या लिखेगा, माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस तक एज इट इज, और ये एक्स है, इसके जगह पे ब्रैकेट में लिखेगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू, राइट? अब इधर देख, e रेस टू माइनस एक्स प्लस e रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, देखना दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब यहाँ का माइनस चला गया, यहाँ पे सिंगल माइनस है तो एज इट इज रहेगा। समझ में आ गया? तो बेटा तेरा आंसर क्या आ गया, तेरा आंसर आ गया f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये वाला आंसर आया, राइट? अब मेरी बात है ना, ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देख, इवन ऑड फंक्शन क्या बोलता है, इवन ऑड फंक्शन बोलता है कि मैं आपको एक फंक्शन दूंगा, उस फंक्शन में आप x के जगह पे माइनस एक्स डालने का, समझा, और उसको ऐसा मस्त ट्रिपल राइज बनाने का, और उसके बाद अगर आपको सेम आंसर मिला तो इसका मतलब फंक्शन इवन है। देखना, तू x के जगह पे माइनस एक्स डाल रहा है, फिर भी तेरा आंसर और जो क्वेश्चन में दिया है वो दोनों सेम है, इसका मतलब फंक्शन इवन है। बट अगर तू x के जगह पे माइनस एक्स डाल रहा है और तेरा आंसर सेम आया बट अपोजिट साइन में आया, अपोजिट साइन, तो इसका मतलब फंक्शन ऑड है। अगर तुझे ये नहीं समझा तो ध्यान से सुन, मैं तुझे ना एक एग्जांपल देता हूं। इधर देख, सपोज तुझे पूछा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन है, और तुझे पूछा है कि शो दैट फंक्शन इज इवन और ऑड, तो तू कंपलसरी क्या लिखेगा, तू लिखेगा पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तू लिखेगा पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये कैसे दिखाई देगा बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स के जगह पे क्या लिखेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मुझे बता, एफ ऑफ माइनस एक्स
अब मुझे बताओ माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो एक्स स्क्वायर ही आंसर आया। अब मुझे बता तेरा एफ ऑफ एक्स का आंसर, इधर देख, इधर देख, तेरा एफ ऑफ एक्स का आंसर था एक्स स्क्वायर, तेरा एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर भी एक्स स्क्वायर आया, मतलब एक्स के जगह पे तूने माइनस एक्स डाला फिर भी आंसर सेम आया, मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देयर फोर फंक्शन इज इवन। फंक्शन क्या होता है? इवन। जब तू एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालेगा और तुझे सेम आंसर मिला, ध्यान से सुन गधो, पेपर में इतना इजी सम हर बार आता है ऐसा नहीं, कभी कभी पेपर में साइन और कॉस वाला भी सम आता है, तो इसलिए ध्यान से सुनो। ओके, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, इधर देखो, तो ये है फंक्शन इज इवन। अब मान के चल, इधर देख, अब मान के चल, इधर यार अपना इंफिनिटी बोर्ड है, कितना भी बड़ा बोर्ड है, टेंशन लेने का नहीं, ऐसा देख, मैं इसको ऐसा छोटा भी कर सकता हूं, ये देख जादू दिखा रहा हूं तुम लोगों को, इतना डिजिटल बोर्ड पे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं और फीस ले रहा हूं मात्र 999 रुपीज, ठीक है? तो दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, हाँ मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर बोर्ड कितने का है, बोर्ड ये 2,50,000 रुपए का है, ठीक है? तो चलो अब दोस्तों आगे चलते हैं, इधर देखो, अब मान के चल कि तेरे सामने एक क्वेश्चन है f of x is equal to x cube, और तेरे को किसी ने पूछा है शो दैट फंक्शन इज इवन और ऑड, तो तू क्या करेगा रे बेटा? पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू माइनस x, पुट x इज इक्वल टू माइनस x, तो x के जगह पे माइनस x लिखेगा बेटा, तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू x के जगह पे माइनस x का क्यूब किया, तो f ऑफ माइनस x का आंसर क्या आया? माइनस x का क्यूब, मुझे बता माइनस x का क्यूब क्या होता है? इसका आंसर आता है माइनस x क्यूब, क्या आता है? माइनस x क्यूब। अब देख, तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, मैं ना ये जो माइनस साइन है ना इसको एज इट इज रखता हूं, मुझे बताओ ये जो आगे लिखा है ना x क्यूब, उसी का दूसरा नाम है f ऑफ x, x क्यूब का नाम क्या है? f ऑफ x, तो मैं यहां पे लिखता हूं f ऑफ x। इधर देख, तेरे सामने मैंने दो केस ऐसा खोल के रखा है, आईसीयू में ऑपरेशन करके रखा है, समझा कि नहीं समझा? अब इधर ध्यान से सुन बेटा, यहां पे सिंपली जब तूने x के जगह पे ये वाला, इधर देख, इधर देख बेटा, तेरे सामने दो एग्जांपल मैं ऐसे बड़े करके रखता हूं ना तो तुझे पता चलेगा, इधर देख, इधर देख, ये वाला और ये वाला बेटा एग्जांपल देख, यहां पे तुझे क्या समझा? यहां पे f ऑफ माइनस x और f ऑफ x सेम आया था, इसका मतलब फंक्शन इवन था, और तू यहां पे नोटिस किया कि आंसर सेम है, आंसर से अलग नहीं आता है, आंसर वही आता है इसमें भी, बट साइंस अपोजिट होते हैं, मतलब यहां पर पॉजिटिव x क्यूब था, यहां पे नेगेटिव x क्यूब आया, तो इसका मतलब फंक्शन ऑड है, समझ में आ गया? देयरफॉर फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड। डाउट क्लियर है? मतलब आपके दिमाग में एक बात क्लियर रखो, पेपर में इतना इजी क्वेश्चन आता है, बट अगर डिफिकल्ट आया जो मैं आगे लेने वाला हूं, तो ऐसे टाइमिंग में अगर 3-4 टर्म्स है और सबके सबके साइन सेम है, तो इसका मतलब समझ जाने का कि फंक्शन इवन है। अगर 4 टर्म्स है और सबके साइन अपोजिट है, मतलब मान के चल ऊपर साइन एक्स प्लस में था और तुझे नीचे माइनस में मिला, ऊपर कॉस एक्स माइनस था नीचे तुझे प्लस में मिला, इसका मतलब फंक्शन ऑड है। डाउट क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है? अब दोस्तों हम लोग हमारे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारा मेन क्वेश्चन है कि यहां पर फंक्शन क्या है, तो यहां पर फंक्शन इज इवन। अब आप बोलोगे सर कैसे? देख इधर e रेस टू x है, तो इधर भी e रेस टू x है, भले उसका पोजीशन अलग है, इधर e रेस टू माइनस x है, इधर भी e रेस टू माइनस x है, दोनों के बीच में प्लस साइन है, डिवाइड बाय 2 है, देयरफॉर फंक्शन इज इवन। समझ में आ गया? दोस्तों जब जी स्कीम था ना, जी स्कीम, तो जी स्कीम में ना 2 मार्क्स के लिए सवाल आता था, व्हेन फंक्शन इज इवन एंड ऑड, ऐसा एक सवाल आता था, तो दोस्तों उसका आंसर आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। इधर देखो, अगर आपको पेपर में कभी थ्योरी क्वेश्चन आया, भाई साहब आया है, समझा, आया है,
तो टेंशन मत लो, अगर आपको कभी पेपर में थियरी क्वेश्चन आया तो सिंपली दिमाग में याद रखो, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है व्हेन फंक्शन इज इवन एंड ऑड, तो सिंपली याद रखने का ऐसा दो लाइन में लिख के आने का, एफ ऑफ माइनस एक्स उत्तर एफ ऑफ एक्स आल, एफ ऑफ माइनस एक्स उत्तर माइनस मध्ये आल म्हणजे इवन फंक्शन म्हणजे ऑड फंक्शन, ये दो लाइन लिखने का दो मार्क्स मिलता है, पेपर में ऐसा थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, तो सिर्फ ये दो लाइन लिख के आने का, ओके। ओके, ये डाउट क्लियर हो गया। ओके, अब दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, ये देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव में ही मैंने दो अलग अलग क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, माफ करना ये अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ओके, थैंक यू पार्थ, थैंक यू आयान। अब दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बट दोस्तों इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, दैट इज ये वाला क्वेश्चन। अब दोस्तों मेरी बात को ना इधर फिक्स कर लो, इधर फिक्स कर लो, क्योंकि ये इवन ऑड का ही क्वेश्चन है, तो दोस्तों स्क्रीन दिसत नहीं, स्क्रीन दिख रहा है क्या बच्चों, मैसेज करो हाँ या ना, बेटा आपको ही नहीं दिख रहा है, तो अभी तक धनाधन धनाधन मैसेज पढ़ते जा रहा, आवाज बंद हुआ कि बच्चों का मैसेज, आवाज गया, नो वॉइस नो दिसते सर, हाँ क्लियर, वेरी गुड, चलो हर्षवर्धन नेटचा पैक संपला तुमचा, ओके। देखो इधर, तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया है, ओके, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, बराबर है, तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक है ना, मैं आपको एक टुकड़म बता रहा हूं, टुकड़म एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, पेपर में क्या पूछा है, शो दैट द फंक्शन इज, क्या लिखा है बेटा, वो पूछ रहा है कि ये ऑड है क्या, इसमें इवन नाम है कहीं पे, नहीं है, मतलब ये फंक्शन ना भाई साहब ऑड ही है, समझा, देख तुझे नहीं आया ना, नहीं आया आंसर लिखना, तो चुपचाप है ना लास्ट में ऐसा लाइन लिख, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देयर फोर फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड, क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है ना ऑड है क्या, अगर यहाँ पे सिर्फ इवन लिखा होता तो फंक्शन इवन ही होता है, अगर इवन और ऑड लिखा है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन, तो हमें सॉल्व करके बताना पड़ता है, बट यहाँ पे ऑड लिखा है तो समझ जाने का कि फंक्शन ऑड ही है, और चुपचाप ये लाइन लिख के आने का, समझा, पेपर चेक करने वाले को पता होता है कि तूने कुछ तो यहाँ पे काला कांडी किया है, बट फिर भी वो भी अपना बच्चा समझ के मार्क्स दे देता है, समझा कि नहीं समझा, क्योंकि उसको पता है तूने सही से लिखा है, डाउट क्लियर है 100%। तो चलो अब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर वन है बेटा, ये आपका इक्वेशन नंबर वन है, शो दैट फंक्शन इज ऑड, तो ऐसे टाइमिंग में हमारा स्टेप्स क्या होता है, तो हमारा स्टेप्स होता है पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, राइट, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो जिधर भी x है वहां पे माइनस एक्स डालेंगे, तो बताओ क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के जगह पे मैं लिखूंगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स प्लस साइन माइनस एक्स, एक्स के जगह पे माइनस एक्स प्लस इधर x है तो उसके जगह पे माइनस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स है तो कॉस ब्रैकेट में माइनस एक्स, कैमरे को संभाला बेटा, कॉस माइनस एक्स, बराबर है, तो दोस्तों इतना सब मैंने लिख लिया, जिधर एक्स है उधर माइनस एक्स, अब इसके बाद तुझे सॉल्व करना आया तो ठीक है,
नहीं तो चुपचाप ये दो लाइन लिख के चला जा, चार मार्क्स का सवाल होगा तो भाई साहब तेरे को चार में से चार मिलेगा, 0.5 भी कट नहीं होगा, आधा मार्क्स भी कोई कट नहीं कर सकता, अगर किया तो मैं बैठा हूं इधर, ठीक है। तो दोस्तों चलो यहाँ पे देखो, तो यहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स। अब इधर देख, यहाँ पे ना तुझे सिर्फ दो ही बातें सीखनी है, और वो नए दो बातें हैं इस क्वेश्चन में, तुझे बस दो ही बातें सीखनी है, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, दो नई बातें सीख, और वो दो नई बातें मैं यहां पे ऐसा मार्क करके रखता हूं। इधर देख, साइन माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स, ये दो नई बातें तुझे सीखनी है, ये दो नई बातें तुझे सीखनी है। साइन माइनस एक्स को तू लिखेगा माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स को तू लिखेगा कॉस एक्स। समझ में आ गया, बस इतना ही सीख, बाकी कुछ नहीं सीखने का, ये ट्रिगो का पार्ट है। सर मला ट्रिगो येत नाही, मला पण येत नाही, तरी मी शिकवतोय ना, तरी माझी मुलं 100 पैकी 100 आणता येतो ना, जो मैं बोल रहा हूं वो सो मेरे को आता है ना, वो तो आपका दिल रखने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, साइन माइनस एक्स आंसर क्या है, माइनस साइन एक्स, ऐसा दिमाग में फिक्स कर, ऐसा चलो आंख बंद कर ऐसा इधर ही चिपका, सर ने बोला था साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स लिखने का, और कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स लिखने का, खत्म रे, संपल, समझा। तो ठीक है, अब इधर देख, अब इसको लिखने का कैसे, सर माइनस एक्स का क्यूब, आपको ऑड पावर समझता है क्या, ऑड पावर, ऑड नंबर का है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 है ना, तो देख अगर सर के ऊपर ऑड नंबर है मतलब माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, तो माइनस एक्स क्यूब का आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब। माइनस माइनस क्या होता है, ये देख इधर माइनस है इधर माइनस है, तो प्लस होगा 3 × x। अच्छा अब इधर देख, मैंने अभी तुझे सिखाया था साइन माइनस एक्स को तू क्या लिखेगा, क्या बोला था, माइनस साइन एक्स, तो पीछे प्लस है तो पीछे होगा क्या, माइनस, माइनस साइन एक्स, खत्म। समझ में आ गया, डाउट क्लियर है। अब मान के चल अगर पीछे प्लस हो, यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो इसका आंसर क्या है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, समझा, नहीं कराल तो डोक्यात ठेवू, साइन ऑफ माइनस एक्स आहे ना, तर त्याचं उत्तर असतं माइनस साइन एक्स, म्हणजे मागे जे साइन आहे ना त्याचं उलट साइन येतं, म्हणजे प्लस असेल तर माइनस, माइनस असेल तर प्लस, संपला वो हिशोब, काय लगा, तो ये प्लस था तो इसलिए माइनस हुआ। अब इधर देख, प्लस माइनस, इधर देख, सॉरी प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स, अब कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, अरे कॉस है ना, कॉस संत आदमी है रे, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ गया, तो क्या आता है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, डाउट क्लियर है। देख कॉस माइनस एक्स को क्या लिखने का, कॉस एक्स, साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स। अब मुझे एक बात बता कि सर आपको कैसे पता चला कि फंक्शन ऑड है, मैंने क्या बोला था, ऊपर जो साइन है उसका अपोजिट साइन अगर नीचे होगा, इधर देख यहां पे ना एक्स क्यूब पॉजिटिव था, यहां पे एक्स क्यूब नेगेटिव है, यहां पे 3x नेगेटिव था, यहां पे 3x पॉजिटिव है, यहां पे प्लस साइन एक्स था, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस एक्स कॉस एक्स था, यहां पे माइनस एक्स कॉस एक्स है। अगर साइन सबके सेम होते तो इवन, अगर अलग है तो ऑड, देयरफॉर इसके बाद क्या लिखेगा, ये वाला स्टेप, देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। डाउट क्लियर है 100%, समझा कि नहीं समझा बच्चों, मैसेज करो प्लीज। सर सिर्फ इक्वेशन 1 में माइनस एक्स डाल के फाइनल आंसर लिखा तो नहीं चलेगा क्या, अभी यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे सिर्फ ऑड लिखा था इसलिए मैंने बोला, बट अगर यहाँ पे लिखा होता इवन और ऑड तो कैसे पता चलता। चलो मैसेज करो प्लीज, मैसेज करो फटाफट, मैसेज करो। हाँ सर, हाँ
आए ना अनुज, आए ना अनुज, दरवाजा खोलो सर, आए आराम से। समझा? अरे वाह वाह वाह, सबको समझा, तालियां बजाओ। वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों टेंशन मत लो, इतना ही इजी से हम लोग ना इंशाल्लाह डेरिवेटिव भी सीखेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी सीखेंगे, समझा? और लास्ट चैप्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना याद रखो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, आपका जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर दो चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स भी है और लैपलास भी है, समझ में आ गया? तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, बाकी जो ब्रांचेस है ना, कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, आपको तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पास करा देगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ही थोड़ा मेहनत करना है, क्योंकि उनका लास्ट चैप्टर ये थोड़ा सा डेंजर है, समझ में आ गया? तो इतना याद रखो, ठीक है? चलो सर मराठी भारी बोलता तुम्ही, अरे माझे शिक्षण झाले बेटा मराठी मीडियम मध्ये, का नाही बोलणार मराठी भारी मी? मेकॅनिकल एकदम सोपं, कम्प्युटर आयटी, कम्प्युटर आयटी आहेत पण फुल टाइमपास आहेत। सगळ्यात सोपं, सगळ्यात सोपं जर कुणाचं आहे लास्ट चॅप्टर तर तो आहे सिव्हिल वाल्यांचा। ओके, कुणाचा आहे? सिव्हिल वाल्यांचा। त्याच्यानंतर सोपं मेकॅनिकल, त्याच्यानंतर कम्प्युटर आयटी। कम्प्युटर आयटी सोपं आहे पण लेंदी आहे, लेंदी लेंदी म्हणजे जास्त लिहावं लागतं, पण काय डोकं घरी ठेवून गेलं तरी चालेल, फक्त इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्यांना डोकं बरोबर घेऊन जावं लागतं, ठीक आहे? यस सर, एक झालं, थोडस राहिले, थोड डोल बसता का? हाँ हाँ, ओके। तो चलो दोस्तों, अरे नहीं रे बाबा रोहित, ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज याद रखो, जितना पढ़ाऊंगा, और कल के लेक्चर के लिए डेरिवेटिव का जो लेक्चर नंबर 1 है, देखो ध्यान से सुनना, ऐसे वो ईश्वर साक्ष्य कसम लेता हूं, जो सर बोलेंगे वो करूंगा। आज ये लेक्चर होने के बाद डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 1 सब लोग देखना, प्लीज देखना लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर टाइम मिला तो, नहीं तो 1 देख लो, बहुत बहुत काफी है, समझ में आ गया? क्योंकि कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डबल रिवाइज होगा, ठीक है? चलो बेटा इधर देखो सब लोग। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये वाला एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगर ऐसा हो गया कि उन्होंने समझ लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस बार डालना ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में डालेंगे, तो दोस्तों ऐसा वाला भी क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आया तो क्या करेगा ना यार, गोल्डन में है, रिस्क क्यों ले रहा है? कितना परसेंट चांसेस है आने का? अभी फिलहाल के कंडीशन में मैं बताऊं ना तो 10% चांस है ऐसा क्वेश्चन आने का, बट है ना चांसेस, रिस्क नहीं ले सकता तू, समझा? मुझे पेपर पता नहीं होता है, बट मैं जो गेस करता हूं वो बैठता है। मुझे एमएसबीटी का रिजल्ट का डेट पता होता है, नहीं होता छोड़ दो, बट मैं आपको बताता हूं ना कि ये टाइम पे लगेगा, लगता है कि नहीं लगता है? डेट एंड टाइम परफेक्ट है कि नहीं है? कोई यूट्यूब पे बताने वाला? सर कैल्सी का यूज बताओगे? ओके यस, हा यस आयन बेटा। इधर देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज लॉग एक्स टू द बेस 6 एंड जी ऑफ एक्स इज 6 raised to 3x। अब इधर देख बेटा, ये पेपर पे क्वेश्चन अगर आया तो तू क्या करेगा? तो ये क्वेश्चन के लिए टेंशन मत ले, मैं तुझे कुछ यहां पे बेसिक चीजें सिखाता हूं, इधर देख। और वो बेसिक चीजें क्या है इधर देख, तेरे को एफ ऑफ एक्स दिया है, माफ करना थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया नीप, तेरे को एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, कितना है? लॉग एक्स टू द बेस 6, यहां पे लिख। तेरे को जी ऑफ एक्स दिया है, उसको यहां पर लिख 6 raised to 3x, राइट? किसी को डाउट है? मैंने दोनों चीजें इधर उधर लिख दिया, ठीक है? अब दोस्तों देखो आपको पूछा क्या है, वो पता है एक एडवर्टाइज आ रहा था, और क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, वो पता ना, तो वही पूछा है, फॉग एक्स। देख इधर,
और यहां पे पूछा है गॉफ एक्स, क्या पूछा है, फॉग एक्स गॉफ एक्स, समझ में आ गया, तो टेंशन नहीं लेने का, क्या पूछा मैंने, फॉग एक्स एंड गॉफ एक्स, तो इधर देख बेटा, तो फॉग एक्स का मतलब क्या, फॉग, फॉग का मतलब क्या, फॉग एक्स, इसका मतलब क्या होता है, दिमाग में क्लियर रख, पहला एफ दिख रहा है ना, इधर देख, पहला एफ दिखा मतलब एफ पहले और जी बाद में है, तो जी ऑफ एक्स बाद में, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग एक्स का मतलब क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मैंने क्या बोला अभी तक समझा, मैंने ऐसा नहीं बोला समझा, अभी ध्यान से सुन, अभी देख तुझे पूछा है गॉफ एक्स, क्या पूछा है गॉफ एक्स, अब गॉफ एक्स का मतलब क्या, जी पहला है ना, तो जी को लिख और आगे एफ है, तो एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिख, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, समझा, देख फॉग एक्स का मतलब क्या, फॉग एक्स का इधर देख वापस लिखता हूं, इधर देख, फॉग एक्स का दूसरा नाम क्या है, फॉग एक्स का दूसरा नाम है, एफ पहला है तो एफ पहला और ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स आएगा, अब इधर देख गॉफ एक्स लिखा है, तो गॉफ एक्स का मतलब क्या, जी पहला है तो जी पहला तो ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स आएगा, खत्म, समझा, अगर ये नहीं समझा, अगर तुझे ये नहीं समझा तो इधर देख, तो तुझे सिंपली है ना ये फाइंड करना है, फॉग एक्स का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, गॉफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब तुम दोनों को तुम्हें ये फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, हजम नहीं होगा, मेरी बात है ना ध्यान से सुन मैं क्या बोलता हूं, अगर मैंने यहां पे लिखा होता एफ ऑफ टू, तुझे ये फाइंड करना है, तो तू मुझे क्या बोलता, सर कसल सोप है, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, हाँ या ना, ये बोलते कि नहीं बोलते, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, हाँ या ना, अब एफ के अंदर टू लिखा है, एफ के अंदर क्या लिखा है, जी ऑफ एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, समझा, पुट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, समझा, इधर देख अंदर क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समझा कि नहीं समझा, अब इधर देख, तो अभी मैं इसको कैसे लिखेगा, देख बेटा, पुट पुट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इसके अंदर है ना, तो देख कैसे दिखाई देगा, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया, पुट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो इसके अंदर जिधर भी एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स लिख, देख एफ लिखा, एक्स के जगह पे लिखा जी ऑफ एक्स, अरे वाह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया, मतलब मुझे यही तो चाहिए था, हाँ या ना, विच इज इक्वल टू, मैंने लॉग लिखा, एक्स के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, जी ऑफ एक्स, और बेस क्या है, सिक्स, काही सुद्धा केलेलं नाही, एकदम सिंपल आणि सोप्या भाषेत एक्सच्या जागी जी ऑफ एक्स टाकलेला आहे, समजा, अब इधर देख बेटा, अब इधर देख, अब सिंपली तुझे क्या करना है, लॉग लिखा सिक्स लिखा बेस का, सर फिर जी ऑफ एक्स कुठून आणायचं, जी ऑफ एक्स कहां से लाएंगे, अरे भाई साहब ये देखो बाजू वाले के घर पे पड़ा है, इसके लिए ये हेल्प करेगा और इसके लिए ये हेल्प करेगा, तो जी ऑफ एक्स का ही नाम क्या है, 6:3x, तो मैं जी ऑफ एक्स की जगह पे लिखूंगा 6:3x, समझ लो जी ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स मतलब 6:3x, वो लिखा खत्म, अब इधर देख, अब यहां पर इसका आंसर आएगा 3x log 6 to the base 6, अब आप बोलोगे सर हे कसा आलं, बहुत इजी है, इधर देख मैं यहां पे ना लिख के बताता हूं, अगर मान के चल log है ना, log log बहुत बुरा इंसान है, log क्या करता है, log अगर सर के ऊपर कुछ रहेगा तो उसको पीछे डालता है, तो n log m, मतलब जे डोक्यावर असतं ना त्याला इथे टाकतो, कळालं, आता मला सांगा लॉग सिक्स डोक्यावर काय होतं, 3x, तर त्या 3x ला त्याने मागे टाकलं, म्हणजे बघा ना हा लॉग आहे हा एम आहे आणि हा एन आहे, तर एन ला मागे टाकलं आणि राहिलेलं जे काय आहे ते ऍज इट इज लिहिलं, समजा, अगर ऐसा होता तो लॉग 4 to the x square, तो तू क्या करता, ये जो एक्स स्क्वायर है उसको पहले लिखता, लॉग 4 बाद में लिखता, खत्म, समझा, एज सिंपल एज दैट, ओके okay, अगर नहीं समझा तो टेंशन नहीं लेने का, वीडियो को बाद में वापस देख लेगा, ठीक है,
तो बेटा ये आंसर आ गया। अब इधर देख, तो इसका फाइनल आंसर है 3x और log 6 टू द बेस 6 इज 1, तो आंसर आया 3x। अब आप बोलोगे सर फाइनल आंसर 3x आया बट ये log 6 टू द बेस 6 का आंसर 1 कैसे आया? देख मैं क्या बोलता हूं, इधर सुन मेरी बात। अगर मैंने लिखा है log 4 और बेस भी 4 है तो आंसर कितना आएगा 1। लॉग तोशिब और बेस भी तोशिब है तो आंसर कितना आएगा 1। सर मला तुमच्यावर काही मात्र भरोसा नाहीये, नका ठेव, मी कुठे म्हणतोय ठेवा। मैं क्या बोलता हूं, लॉग 6 टू द बेस 6 है कि नहीं? तो मैंने आपको अभी एक सम सिखाया था एफ ऑफ पाई बाय 2 वाला 16 रेस टू एक्स वाला क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग इसको ऐसा लिखते थे लॉग 6 डिवाइड बाय लॉग 6, राइट? कैलसी पे टाइप कर log 6 by log 6, चेक कर, आंसर 1 मिलेगा। समझा? तो अगर नहीं समझा तो अभी ये मैंने एक प्रूफ आपको बता दिया, तो इसका आंसर क्या आया 3x। कांग्रेचुलेशंस। अब इसको सॉल्व करना है। अब इधर देख, मैं g का जगह पे g लिखा, बराबर है? इधर देख, तो अभी मैं क्या लिखेगा, put x is equal to f of x, ओके? x के जगह पे f of x डालेगा तभी मुझे g f of x मिलेगा ना। तो x के इधर देख, इधर जब मैं f of x लिखेगा तो g f of x म्हणजे हे मला भेटेल, हाय ना? तो मैं क्या लिखेगा, g x के जगह पे f of x, हाय ना? अब बताओ क्या आएगा, 6 रेस टू 3 x च्या जागी काय लिहणार, f of x। एकदम आराम से, कोई घाई गडबड नहीं है, कोई धक्का बुक्की नहीं करेगा। समझा? ये डाउट क्लियर है? तो दोस्तों इधर देखो 6 रेस टू 3, अब f of x, देख इसके लिए जब यहां पे g of x था तो तूने यहां से लिखा, हाय ना? अब मुझे एक बात बता, अब यहां पे f of x है तो f of x कहां लिखेगा? ये देखिए f of x है, f of x क्या है, log x, डोक्यावर लिहिल ना, log x टू द बेस 6, हाय ना? तो मुझे बता आंसर कितना आया, 6 log x का क्यूब टू द बेस 6। तो बेटा इसका आंसर आया एक्स क्यूब। अब मुझे पता है, टेंशन नहीं लेने का, मुझे पता है तुझे नहीं समझा। अरे सर यहां तक ये देखो, ये मुझे क्लियर था हल्का हल्का, ये हल्का हल्का क्लियर था, सर ये एक्स क्यूब कैसे आया? मैं क्या बोलता हूं, इधर देख मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं इसको ऐसा जूम करके दिखाता हूं, इधर देख इसको मैंने जूम करके दिखाया है। मैंने क्या लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, log x और बेस 6 था, 6 से डोक्यावर है ना मारामारी चल रही है, 6 के सर के ऊपर ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट मैंने अभी आपको सिखाया था ना log m रेस टू n, आंसर क्या होता है n log m, बराबर है? मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो जो आपने यहां पे मुझे बताया। हाँ अब दोस्तों यहां पे चेक कर लो, आप अगर इसको ये लिख सकते हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, नहीं समझा? इधर देख n log m, n log m, इधर देख ये n है, ये log है और ये m है, अगर log के पीछे कुछ है तो वो सर के ऊपर डालता है। मैंने अभी क्या बताया था, अगर सर के ऊपर कुछ है तो पीछे आएगा और अगर पीछे कुछ है तो वो सर के ऊपर जाएगा। तो ये 3 log के पहले था तो मैंने उसको क्या किया, 6 log सर के ऊपर वो 3 डाल दिया, समझा? अगर सपोज ऐसा कुछ होता 4 log x तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था log x का डोक्यावर 4, खत्म। अब ये जो भी मारामारी चालू था ना, ये मारामारी 6 के सर के ऊपर चालू था इसलिए वो सब सर के ऊपर हो रहा है, समझा? अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि ये 3 कहां से आया। अब दोस्तों दूसरा डाउट, सो सर ये 6 log 6 x क्यूब का आंसर x क्यूब कैसे आया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, देखो मैं फॉर्मूला यहां पर लिखता हूं, ये एक फॉर्मूला है, मान के चलो ऐसा कुछ है a log b और उसका भी बेस a है, तो अगर a डोक्यावर log b आणि त्याचा पण त्या log चा बेस सुद्धा इथे a तर आंसर येणार b, नहीं समझा? तो सुन, अगर मान के चल यहां पे मैंने लिखा है विराट डोक्यावर लॉग आणि पुढे लिहिला अनुष्का आणि लॉग चा बेस सुद्धा विराट आहे, समझा?
इधर विराट, लॉक का बेस विराट, तो लॉक के आगे जो लिखा है वो आपका आंसर होता है अनुष्का, समझा? तो देख, सिक्स लॉक का भी बेस सिक्स, आगे एक्स क्यूब लिखा है, तो आगे वाला आपका आंसर होगा एक्स क्यूब, हाँ या ना बच्चों? ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है कि ये कैसे बेसिकली आता है, ठीक है? तो दोस्तों ये सब शायद ऐसा हो सकता है शायद कि आपको हल्का हल्का समझा रहेगा, बट टेंशन मत लो। मैंने आपको यहां पर देखो इसके अंदर है ना टोटल मैंने आपको दो तीन चीजें सिखाई है, और वो दो तीन चीजें क्या है मैं आपको चाहिए तो एक बार है ना, मैं आपको एक बार है ना ऐसा लिख के बताता हूं वो दो तीन चीजें क्या है। हाँ इधर देखो, अगर कभी भी log m रेस टू n दिखा तो हम उसको लिखते हैं log, सॉरी, तो हम लोग उसको लिखते हैं n log m। अगर हमें n log m दिखा तो हम उसको लिखते हैं log m रेस टू n, बराबर है? अगर उसके बाद हमें और क्या दिखा था, किधर गया? हाँ और क्या दिखा था हमें, अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया दैट इज ये देखो, ये वाला, ये देखो log 6 टू द बेस 6, मतलब अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया log log a टू द बेस a, तो इसका आंसर 1 होता है। और दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया a चा डोक्यावर log पुढे मी लिहिले ब्रैकेट मध्ये तोशिब आणि खाली बेस ए आहे, ए आणि ए मॅच झाला तर आंसर येणार तोशिब। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है ना, एक दो तीन चार, ये चार प्रॉपर्टीज ही यहाँ पे यूज हुए हैं, इसके अलावा कुछ नया यूज नहीं हुआ है बच्चों, समझा? सिर्फ ये चार प्रॉपर्टीज ही यहाँ पे यूज हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, थैंक यू ऋषिकेश बेटा। ओके, तो दोस्तों ये समझ में आया रहेगा आप लोगों को सब। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ये तो हम लोगों ने अभी कराया था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, आई गेस यस दोस्तों, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पेपर में ये टाइप का क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया है, तो दोस्तों ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन, देखो इधर, इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन फाइंड एफ ऑफ एक्स। क्या पूछा है? एफ ऑफ एक्स, मतलब वो बोलता है स्वतः स्वतः टपली मार। अब इसको और अच्छे लैंग्वेज में भी बता सकता था, ठीक है? तो दोस्तों यहां पे देखो क्या पूछा है आपको, गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/(1 - x), और आपको फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स। देख मेरी बात ध्यान से सुन, तभी पीछे वाले सब में क्या था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो तूने क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब वो क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पुट एक्स इज इक्वल टू काय, पुट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखना जब एफ ऑफ टू होता है तो एक्स के जगह पे टू डालता है, जब एफ ऑफ एक्स होता है तो एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स डालता है बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं लिखूंगा टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, ये हमें चाहिए ना, तो पुट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैं एक्स के जगह पे क्या डालेगा, एफ ऑफ एक्स। तो देख कैसे दिखाई देगा बेटा, ये एफ ऑफ जिथे कुठे एक्स आहे तिकडे मी एफ ऑफ एक्स लिहिणार, एफ ऑफ एक्स 1/(1 - x) च्या ठिकाणी काय लिहिणार, एफ ऑफ एक्स, हा या ना, 1/(1 - f(x)। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ओके? अब इधर देखो, अब मुझे बताओ कि 1/(1 -), पण हा एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय, एफ ऑफ एक्स मीन्स ये 1/(1 - x), देखना एफ ऑफ एक्स का ही नाम है 1/(1 - x), तो मैं यहां पे लिखेगा 1/(1 - x), समझा? जिधर एफ ऑफ एक्स है वहां पे मैं लिखूंगा 1/(1 - x), डाउट क्लियर है? अब इधर देखो, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे,
इधर देखो, तो वन अपॉन, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, आया ना? कैसा? इधर देखना, बचपन में सिखा था 2/3 - x/3, तो तू क्या करता था, या 2/3 - x/4, तो तू क्या करता था, 4 × 2 है ना, 2 × 4 - 3 × x, ऐसा करता था ना? तो वही चीज तुझे यहां पर करनी है। वन के नीचे कुछ नहीं, मतलब वन है, तो पहले तू क्या करेगा, 1 - x को इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 - x × 1 इज 1 - x, बीच में का साइन माइनस है, इधर नीचे कुछ नहीं था, मतलब वन था, तो 1 × 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 × 1 - x इज 1 - x, आया ना? डाउट क्लियर है? तो दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, 1 अपॉन, देख, 1 - x - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x। अब अगर तू चेक करेगा, ये +1 है, ये -1 है, गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन - x डिवाइडेड बाय 1 - x, आया ना? आया ना? 1 अपॉन - x डिवाइडेड बाय 1 - x। अगर देख, a डिवाइडेड बाय b बाय c है, तो तू इसको ac डिवाइडेड बाय b लिखता है, मतलब हाँ, b बाय c जो है ना, अब a इंटू तू सी बाय बी लिखो ना, हा बी बाय सी जेव्हा वरती जातो तेव्हा तो सी बाय बी होतो, म्हणजे ए आणि सी चं मिलन झालं बी बरोबर। तो अभी ये देख, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये कैसे होगा, 1 डिवाइडेड बाय, इधर देखना, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 × 1/x / -x, आया ना? तो दोस्तों आपका आंसर क्या आया, 1 - x / -x, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। समझा या नहीं समझा? मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया है, मैंने ये आपको बचपन के खेल सिखाए हैं, बी बाई सी को ऊपर जाके सी बाई बी करो और कुछ भी मत करो, ओके? तो दोस्तों ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, दोस्तों ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 1। दोस्तों कल से जो लेक्चर्स होंगे उसका टाइम टेबल, ये तो आज का ट्रायल क्लास भी था, तो जिसको बैठना था वो आके बैठ सकता है। तो दोस्तों जो लेक्चर नंबर 2 होगा कल से जो चालू होगा, तो वो सिर्फ वही बच्चे बैठ सकते हैं जिन लोगों ने एडमिशन लिया है। आज तो ट्रायल क्लास था तो आज कोई भी आ जा सकता था, बट कल से सिर्फ उन्हीं को लिंक आएगा। अभी मतलब थोड़े टाइम के बाद आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कल के लेक्चर का टाइमिंग क्या, किसको आएगा। अभी कितना बजा, 8:30 हुआ, तो दोस्तों एक 9 बजे तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिन्होंने एडमिशन लिया है क्रैश कोर्स में उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कल के लेक्चर का टाइमिंग क्या। अब बाकी सबको नहीं आएगा, तो सिर्फ वही बच्चे कल से बैठेंगे। तो अपने अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए क्रैश कोर्स से रिलेटेड। दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसे ही इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, पूरा बेसिक से, कोई घाई गड़बड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं होने वाला इधर, ठीक है? ओके, अब दूसरी जरूरी बात, हाँ, रिकॉर्डिंग कब तक आएगा? दोस्तों रिकॉर्डिंग जो है ना, ये लेक्चर खत्म होने के बाद एक 6 घंटा लगता है, डिपेंड्स अपॉन साइज। अभी जैसे कि 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ, कभी कभी 2-2.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो बड़े 6-7 घंटे के अंदर आ जाता है, उसी में दिखाई देगा, उसी के अंदर। लाइव क्लास में जाओगे ना, तो वहां पे आपको रिकॉर्डिंग दिखाई देगा, या तो मैं वहां से डाउनलोड करके ऐप पे ही डाल दूंगा, समझा? तो दोस्तों टेंशन मत लो। यस, थैंक यू ऋषिकेश, यस, 9.99। और दोस्तों आज के दिन भी वो हमारा मदर्स डे का जो ऑफर है, वो आज के दिन रात को 12 बजे तक अवेलेबल है, तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज ऑफ मिल रहा है, तो मतलब 799 में आपको कोर्स मिलेगा आज के दिन रात 12 बजे तक, उसके बाद नहीं। तो दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं उनको आप रिकमेंड कीजिए, और प्लीज एक बार कमेंट कीजिए कि आपको समझा या नहीं समझा। दोस्तों प्लीज एक बार कमेंट कीजिए सर, प्लीज। सर प्लीज 2-3 लेक्चर फ्री में कराने दो प्लीज सर। बेटा इसका खर्चा कौन भरेगा? मैं कराता हूं फ्री में, मान्य सब कराता हूं फ्री में, बट इसका खर्चा कौन भरेगा? लाइट बिल कहां से आएगा बताओ ना मुझे आप, मतलब ये सवाल ही गलत है, ये जो आप पूछते हो ना वही गलत है।
ओके अंडरस्टैंड सर, ओके। तनेश स्टडीचे स्ट्रॅटर्जी सांगा, ते उद्या सांगणार, उद्या ज्यांनी ऍडमिशन घेतलं त्यांना सगळं सांगणार, स्टडी स्ट्रॅटर्जी सब मिलेगा, समझा, तो टेंशन मत लो। तो दोस्तों कोई भी टेंशन मत लो, कल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है ना, इधर जान खा रहा है, पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रहा है, मन दब उठला कर, मैं फोन करते है फोन कल दोस्त है मेरा उसको चालू करके बात किया, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे सर समझा, हमजा, वेदांत, श्री, आदित्य दिघे, रोहित शाह, ऋषिकेश, निखिल पाटिल, आदित्य सर एकदम अच्छे से समझा, पार्थ गोल्डन निकल गया, बैग मोहम्मद सर बहुत अच्छा समझा, कार्तिक, जयेश, गौरव, श्री, थैंक यू, यस सर, ट्यूटर हैज ऑफ वीडियो और माइक बता रहा है आपका, नो ये खत्म हो गया रहेगा मोहम्मद अशरफ, पार्थ, आदित्य, यस बेटा यस, जिन्होंने अभी कल से मैं यहीं से हूं, मैं बॉम्बे का ही हूं, मेरा गांव सातारा है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल, कल का टाइमिंग आएगा, अलग अलग टाइमिंग्स हो सकता है, पहले किसी एक बैच को भी बुलाऊंगा अलग ब्रांचेस का, और फिर कॉमन भी होगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, अरे ना रे बाबा, बस बस, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, टेक केयर।